डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है एक डेफिनेट इंटीग्रल जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पे लिमिट्स है 0 से पाई बाई 2। इस इंटीग्रल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये बन जाएगा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, पहला पार्ट बन जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा पार्ट है लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x, और दोनों की लिमिट्स है 0 से पाई बाई 2। अब सेकंड पार्ट को मैं एज इट इज रहने देता हूं और फर्स्ट पार्ट को मैं एक इंटीग्रल i1 कंसीडर कर लेता हूं। तो ये बन जाएगा, यहां पर इंटीग्रल i1 कौन है? इंटीग्रल i1 है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन x विद रेस्पेक्ट टू x, लिमिट्स है 0 से पाई बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूं, इस प्रॉपर्टी को मैं लिखता हूं, ये है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ए माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जहां पे लिमिट्स है 0 टू ए। ये प्रॉपर्टी मैं यहां पे अप्लाई करता हूं ये मान के कि ए की वैल्यू है पाई बाई 2 और फंक्शन एफ एक्स है लॉग ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स है 0 से पाई बाई 2। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 समझ लूं और ये इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 समझ लूं और इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूं। ऐड करने से क्या होगा? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड तो मुझे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ आई वन, और राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा, राइट हैंड साइड में मुझे मिला इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस लॉग इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स है 0 से पाई बाई 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा, अब यहां देखिए मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है देखते हैं। लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है लॉग ऑफ ए बी। ये प्रॉपर्टी मैं यहां पे अप्लाई करूं तो ये मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहता हूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन ऑफ टू एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। इसको यूज करके मैं लिख सकता हूं साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू x, लिमिट्स है 0 से पाई बाई 2। एक और लॉग की प्रॉपर्टी मैं अलग लिखना चाहता हूं, लॉग ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। यहां पे 2 डिवाइड हो रहा है ना, b को मैं 2 समझ लूंगा और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है और 2i1 की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने ट्वाइस ऑफ आई वन की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस लॉग टू इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इन दोनों की लिमिट्स है 0 से पाई बाई 2। इंटीग्रल आई था ट्वाइस ऑफ आई वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और 2i1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी वो ये थी। ये वैल्यू मैं अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो ये बन जाता है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं, तो हमें इंटीग्रल आई की वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ लॉग टू एक्स, इसकी रेंज है 0 से पाई बाई 2। अभी तक मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की थी, मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो यह बनेगा माइनस लॉग ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस 0, इंटीग्रल आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2। यही इसका आंसर है।